Good morning, children. Children, I have started this chapter, chapter 7, The Famous Villager. And I taught you this page and I explained you. We were talking about Dr. Rajendra Prasad, the first president of India. He was a person, he led a very simple life. He was very cautious about to his appearance. He was very cautious about his appearance. वो अपने लुक को लेकर के बड़े ध्यान रखते थे. शाई इन नेचर, ही वॉज डार्क एंड स्किनी, थिन थे. ओके, और मैंने आपको बताया था कि वंस ही हैड टू ट्रेवल बाई अ ट्रेन टू अ सिटी, टू अ टाउन. सो इट वॉज 8 o'clock एंड 8 o'clock इन द नाइट ही गॉट ऑफ एट द स्टेशन. वो स्टेशन में उतरे, 8 बज रहा था और वो कॉटन धोती पहने हुए थे, कुर्ता और गांधी कैप लगाए हुए थे. वो एक ऑर्डिनरी विलेजर की तरह दिख रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने ये फर्स्ट पैरे में पढ़ा था कि ही लेड अ वेरी सिंपल लाइफ. उन्हें सिंपल लाइफ जीना पसंद था. तो यहाँ तक की स्टोरी आपको पता है, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ. ओके, द प्लेटफॉर्म वॉज डिजर्टेड. डॉक्टर प्रसाद लॉज्ड हिज रॉल्ड क्विल इन द क्रूक ऑफ हिज आर्म and walked to the station master's office. With great politeness, he asked the station master, could I make a telephone call? It's an important matter. The station master gazed at him for a while. He thought the man in front of him was a mere villager. So children, yahan pe hota kya hai? Wo station mein to utar gaye. Utarne ke baad, wo देखिए कि प्लेटफॉर्म पूरा खाली है. डिजर्टेड मीन्स वहाँ कोई इंसान नहीं है, विदाउट पीपल. सो डॉक्टर प्रसाद के पास एक क्विल्ट थी, रजाई थी. उन्होंने वो रजाई को मोड़ा, अच्छे से मोड़ करके अपने हाथों में दबा लिया, अंडर द आर्म, ठीक है, हाथों में दबा लिया और स्टेशन मास्टर की तरफ बढ़े. स्टेशन मास्टर की ऑफिस में गए. वहां जाके उसने बड़ी पोलाइटनेस से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनसे कहा, क्या मैं टेलीफोन कॉल कर सकता हूँ? मैं क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ? बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है. तो जो स्टेशन मास्टर था वो बहुत ध्यान से उन्हें देखने लगा. थोड़ी देर तक उन्हें बड़ा ध्यान से ही वह देखता रहा. फिर उसने खुद में ही सोचा कि आदमी जो मेरे सामने खड़ा है, ये तो एक साधारण सा विलेजर दिख रहा है. तो उसके बाद क्या होता है, वॉन्ट टू मेक अ कॉल, हु डू यू थिंक यू आर? डॉक्टर प्रसाद वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस. बिफोर ही कुड फिनिश द स्टेशन मास्टर इंटरप्टेड, नो नो, राजेंद्र प्रसाद इज नॉट गोइंग टू बी हियर टू नाइट, यू मे गो नाउ. तो बच्चों अब होता क्या है, जब उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा कि मुझे एक फोन कॉल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, तो स्टेशन मास्टर बड़े ध्यान से डॉक्टर प्रसाद को देखता है बहुत देर तक और खुद में सोचता है कि ये तो एक साधारण सा विलेजर है. फिर उनसे कहता है कि आप कॉल क्यों करना चाहते हैं, क्या आप कॉल करना चाहते हैं, आप क्या समझ रहे हैं, आप कौन हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं. तो डॉक्टर प्रसाद जैसे ही अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने ही वाले थे, वो बस इतना ही बोले, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस. उसके आगे वो कुछ बोल पाते कि उतने में ही जो स्टेशन मास्टर थे उन्हें इंटरप्ट कर दिया. इंटरप्ट मतलब बीच में ही रोक दिया, बोलने का मौका नहीं दिया. खुद बोलने लगे, नहीं नहीं, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आज रात नहीं आने वाले हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं. तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पूरी बात सुनी ही नहीं, उन्हें बीच में ही इंटरप्ट कर दिया. तो बच्चे हमें कभी भी किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए. अगर आपके सामने कोई बोल रहा है तो लेट हिम और हर कम्प्लीट हिज और हर स्टेटमेंट. हमेशा ये याद रखो, जब भी कोई बोल रहा है तो उनकी स्टेटमेंट कंप्लीट करने दो, ठीक है, उन्हें चांस दो बोलने का, तब फिर हमें बोलना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम उनकी बात नहीं सुनते हैं तो मिसकंसेप्शन क्रिएट हो सकती है, ठीक है. ही डिड नॉट अलाउ डॉक्टर प्रसाद टू मेक हिज कॉल. डॉक्टर प्रसाद वॉज सो शाय दैट ही कुड नॉट टेल द स्टेशन मास्टर दैट ही वॉज स्पीकिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिमसेल्फ. तो स्टेशन मास्टर ने उन्हें कॉल करने नहीं दिया. और डॉक्टर प्रसाद, मैंने बताया था, बहुत शाई नेचर के थे, तो वो इतने शाई थे कि वो खुद से स्टेशन मास्टर को नहीं बता पाए कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो खुद एक राजेंद्र प्रसाद है. वो नहीं बता पाए कि मैं खुद राजेंद्र प्रसाद हूँ, क्योंकि वो बहुत शाई थे. तो चिल्ड्रन, टुडे आई विल स्टॉप इट हियर.
मुझे यकीन है कि आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी और आपको अच्छे से समझ भी आ रही। थैंक